गुरु पूरा पाइए पावे पद निर्वाण। अगर गुरु पूरा है तो निर्वाण पद अपने आप ही प्राप्त हो जाता है, परम गति अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन बात तो यही है, हमारे और आपके गुरु पूरे नहीं होते, पूर्ण पद को प्राप्त नहीं होते। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर, हरियाणा, NCR से, दिल्ली। तो ये सबसे मुश्किल है, पूरे गुरु की प्राप्ति इस ब्रह्मांड में सबसे मुश्किल काम है। हमें गुरु तो मिल जाते हैं लेकिन पूरे गुरु हमें नहीं मिल पाते हैं। हम काफ़ी गुरुओं की किताबें पढ़ते हैं, हम काफ़ी गुरुओं का मार्गदर्शन लेते हैं या उनके रास्ते पे चलते हैं, हम TV पे या YouTube पे काफ़ी लोगों के प्रवचन सुनते हैं और उनके कहे अनुसार साधना भी करते हैं और भगवत प्राप्ति के लिए यत्न भी करते हैं। लेकिन फिर भी कई सालों के बाद में भी, कई जन्मों के बाद में भी हमें परम गति प्राप्त निर्वाण पद की प्राप्ति नहीं हो पाती है। भगवत्ता की भगवान प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि जिन गुरुओं के हम मार्गदर्शन में चल रहे हैं या जिनके रास्ते पे हम चल रहे हैं या जिनके हम प्रवचन सुन रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, और वे हमें अच्छे भी लगते हैं कि बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी साधना बताई, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता है। क्या भगवान प्रकट हो गए? क्या निर्वाण पद की प्राप्ति हो गई? नहीं हो पाई। अपने अंतरात्मा से पूछिए, आराम से, ठंडे दिमाग से, क्या हमें कुछ प्राप्त हुआ? नहीं प्राप्त हुआ। थोड़ी बहुत हमें अनुभूतियां तो हो जाती हैं लेकिन पूर्ण गति की प्राप्ति, निर्वाण पद की प्राप्ति हमें नहीं हो पाती है। तो इससे साफ पता लगता है कि जो गुरु हैं, जिसके मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं, वो पूर्ण नहीं है। जब पूरा गुरु मिलता है या प्राप्ति होती है तो निर्वाण पद की प्राप्ति, परम गति की प्राप्ति स्वयंता ही हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं, गुरु पूरा पाइए पावे पद निर्वाण। तो यहाँ पे अपनी समझ को बढ़ाना चाहिए और ऐसे गुरु का साथ छोड़ देना चाहिए, चाहे वो कितनी ही अच्छी बातें क्यों ना बताता हो, वो चाहे कितनी ही अच्छी साधना क्यों ना बताता हो, फिर भी उसके मार्गदर्शन से हट करके पूरे गुरु की शरण में जाना चाहिए। और पूरा गुरु बिना भगवान की कृपा से नहीं मिलता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तो आपको पूरा गुरु नहीं मिलेगा। आप चाहे कितने ही जन्म कोशिश कर लें, आप चाहे कितने ही साल कोशिश कर लें, जब तक वो भगवान कृपा नहीं करेंगे और आप लायक नहीं बनेंगे, आपका लायक बनना भी ज़रूरी है, भगवान की कृपा तो अपने आप ही हो जाएगी, लेकिन हम लायक तो है नहीं उस परम गति के लिए, उस निर्वाण पद के लिए, तो भगवान भी कृपा कैसे करेंगे, कैसे आपको पूरा गुरु देंगे या उपलब्ध कराएंगे। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी के मार्गदर्शन पे चलने की ज़रूरत नहीं है। जब भगवान की कृपा होती है और दूसरी बात, हम लायक हो जाते हैं तो जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पे गुरु उपलब्ध हो जाता है या स्वयंता वो आ जाते हैं, क्योंकि अब मालिक की इच्छा है, उस परमात्मा की इच्छा है
कि आपको परम गति प्राप्त हो, तो आप चाहे जंगल में ही क्यों ना बैठे हो, चाहे खेत में ही क्यों ना बैठे हो, चाहे पहाड़ों में ही क्यों ना बैठे हो, पूरा गुरु स्वयंता आपको प्राप्त हो जाएगा। और जब तक पूरा गुरु नहीं प्राप्त होगा, तब तक आपको निर्वाण पद या परम गति की प्राप्ति भी नहीं होगी। परमात्मा के आदेशानुसार जो पूरा गुरु होता है, पूर्ण गुरु होता है, वो स्वयंता ही आपके पास पहुंच जाएगा या उपलब्ध हो जाएगा। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप को लायक बनाना है। गुरु पूरा पाइए, पावे पद निर्वाण, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। परम गति देना या निर्वाण पद को देना या निर्वाण पद की आपको प्राप्ति करा देना पूरे गुरु के लिए कोई भारी बात नहीं है। जैसे एक आदमी के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं और आपको सिर्फ 10 रुपए की ज़रूरत है, तो वो आपको आसानी से दे देगा 10 रुपए। उसके पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, तो उसके लिए 10 रुपए देना क्या मुश्किल है। तो जो पूरे गुरु होते हैं, उनके लिए परम गति देना क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। और भगवान तो सर्वत्र व्याप्त हैं, इस जंगल में भी व्याप्त हैं, जहाँ हम बैठे हुए हैं या आप जहाँ बैठे हुए हो, हम यहाँ पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं खेत में, तो यहाँ पे भी परमात्मा है, उपलब्ध हैं। अगर उनकी इच्छा है तो यहाँ पे भी पूरे गुरु की प्राप्ति हो सकती है। वो अपने आप भेजेंगे, आपको क्या चिंता करना। आपको तो लायक बनना है, इतना ही तो करना है। बस हम लायक ही नहीं बन पाते हैं। और जब तक लायक नहीं बनेंगे, जब तक पूरा गुरु नहीं मिलेगा, और जब तक पूरा गुरु नहीं मिलेगा, तब तक परम गति की प्राप्ति नहीं होगी। तो देखिए, ज़्यादा किताबें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, ज़्यादा वेद शास्त्र पुराण पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, ज़्यादा ध्यान लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, और ज़्यादा ये प्रवचन देते हैं, कथा करते हैं, उनसे भी कोई फ़ायदा नहीं, उनके प्रवचन सुनने से भी। असल बात है लायक बनना। हम कुछ योगियों की किताब पढ़ लेते हैं और अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं और दूसरों को भी ज्ञान देने लगते हैं, जबकि हमें ना तो पूरा गुरु मिला है, ना ही हमें परम गति की प्राप्ति हुई है, ना निर्वाण पद की प्राप्ति हुई है। और हम ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें बहुत भारी ज्ञान है। आपको सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है, प्राप्ति कुछ नहीं है। चाहे मुझे भी लगा लो, आपकी कहूँगा तो आप बुरा मानोगे। तो ये थोथा ज्ञान है, ये योगियों की किताब पढ़ना। बहुत अच्छे अच्छे योग साधनाएं लिखी हुई हैं, ध्यान विधियाँ लिखी हुई हैं कि ऐसे ध्यान करना चाहिए, ऐसे आसन करना चाहिए, ऐसे प्राणायाम करना चाहिए, ऐसे समाधि लगानी चाहिए। कुछ नहीं होता इनसे। ये समाधि लगाने के, पढ़ाई करना, योग सीखना, जब तक पूरे गुरु की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, उनकी इच्छा नहीं होगी, तब तक आपको वो वस्तु नहीं मिलेगी, वो निर्वाण पद नहीं मिलेगा। तो ये थोथे ज्ञान को छोड़ दीजिए। आपने जो किताबें पढ़ी हैं उन पे बहस करना छोड़ दीजिए कि मैंने ऐसे पढ़ा था। और ऐसे छोटे मोटे अनुभव भी हो जाते हैं ध्यान में, कभी कभी हो जाते हैं अनुभव छोटे मोटे, तो वो माया ही है, वो कुछ बड़ी प्राप्ति नहीं है। आप जितना योगियों की किताब पढ़ेंगे, उनकी साधना करेंगे, उतना ही उलझते चले जाएंगे इस माया में, इस योग साधना में।
इस तपस्या में, इस पूजा पाठ में, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक पूरा गुरु नहीं मिलेगा और परम गति की प्राप्ति नहीं होगी, चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले। तो रास्ता तो ये गलत है, हम दो चार किताबें पढ़ के, दो चार प्रवचन सुन के, योगियों के, लाल कपड़ों वालों के हम प्रवचन देने लगते हैं, ये सबसे बुरा रास्ता है। बिना वस्तु की प्राप्ति हुए हम दूसरों को ज्ञान देने लगते हैं, खुद को तो प्राप्ति हमें हुई नहीं है, दूसरों को भी हम मिसगाइड कर रहे हैं। ऐसा ही होता तो हमें ही प्राप्ति क्यों नहीं होती, हमें ही नहीं हुई है हमारे मार्गदर्शन से, हमारी किताबें पढ़ने से, बहुत सी कथाएं सुनने से, पाठ करवाने से, अखंड पाठ करवाने से। देखिए भगवान की नज़रों में बड़े बने तो कुछ हो सकता है। हम काफ़ी गुरु हैं, उनको दान दक्षिणा भी देते हैं, गाय दान दे देते हैं, पैसे चढ़ा देते हैं मंदिरों में, गुरुओं के पास में उनकी खूब सेवा करते हैं हम, लेकिन फिर भी हमें परम गति की प्राप्ति नहीं हो पाती। झाड़ू पोछा करते हैं गुरुओं के पास जा जा के, वो तो अच्छी बात है, किसी को खिलाना वो तो एक दया धर्म के अच्छा स्वभाव कह सकते हैं उसको, लेकिन उससे ये उम्मीद कर लो कि भगवान आके सीधे प्रकट हो जाएंगे तो ऐसा संभव नहीं है। तो पूरे गुरु की प्राप्ति करें, पूरा गुरु पाइए, पाव पद निर्वाण, अपने आप प्राप्ति हो जाएगी। सब कुछ पीछे पीछे घूमेगा, जहाँ आप हो, इस पेड़ के नीचे ही आप बैठे हुए हो, खेत में अकेले में कोई नहीं है, यहाँ पे ही सब कुछ प्रकट हो जाएगा। भगवान, देवता, जो भी आपने सुना है, टीवी पे देखा है, जो भी आपने योग विद्याएं सीखी हैं, सब प्रकट हो जाएंगी, सारी शक्तियाँ स्वयंता ही प्रकट हो जाएंगी। ये देवी देवता ये हाथ में त्रिशूल लेते हैं, चक्कर लेते हैं, गदा लेते हैं, कोई शेर पे बैठा हुआ है, कोई मोर पे बैठा हुआ है, कोई गरुड़ पे बैठा हुआ है, कोई पीर है, कोई पैगंबर है, सब यहीं प्रकट हो जाएंगे। हमें लायक बनना पड़ेगा, पूरे गुरु के बिना ऐसा संभव नहीं है। तो आज यही कहना चाहा है कि पूरे गुरु की प्राप्ति से ही पूर्ण पद निर्वाण की प्राप्ति संभव है, या प्राप्ति हो ही जाती है, अपने आप वो परम गति प्रकट हो जाती है। कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप परमात्मा हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके अंदर परमात्मा विराजमान है, आपको वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपके अंदर बैठी उस भगवत्ता को मैं बार बार नमन करता हूँ, उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और इस माया जाल से, दिमाग के माया जाल से बाहर निकलिए कि हमें गुरु पूरा मिल चुका है, कोई गुरु बना लिया होगा आपने, उसके प्रवचन सुनते होंगे, उसकी किताबें पढ़ते होंगे, उसकी अच्छी अच्छी बातें लिख रखी हैं, उनको सुनते होंगे या पढ़ते होंगे। तो इस माया जाल से बाहर निकले, इससे कुछ नहीं होने वाला है, भगवान की कृपा प्राप्त करें, गुरु स्वयंता उपलब्ध होंगे, पूरे गुरु। तो कल फिर बात करते हैं, दिमाग के किसी माया जाल को तोड़ने वाले विचार पे, और जो आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, गलत रास्ते पे, वो दिमाग का आपका एक माया जाल है, एक भ्रम है, उससे कुछ नहीं प्राप्त होने वाला, उसको तोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। तो विराम लेते हैं आज के लिए, कल फिर बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।